Hey guys, this is Swati from EME Technologies and आज का जो हमारा वीडियो सेशन है ये है TCP and UDP protocols के बारे में. आपने TCP and UDP protocols को TCP IP जो protocol suite है उसमें पढ़ा होगा. So अभी आज हम comparison करेंगे TCP and UDP में, but उससे पहले एक overview ले लेते हैं कि TCP क्या है and UDP क्या है. So उसके लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है टीसीपी की फुल फॉर्म है टीसीपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर. ये कब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जब भी हम अपने सिस्टम से कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक आप अपने सिस्टम पे ब्राउज़र ओपन करते हो एंड देन सपोज आप फेसबुक जो है ओपन करना चाहते हो, तो आपके जो सिस्टम से रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी फेसबुक के सर्वर पर, और फिर फेसबुक का सर्वर पैकेट्स की फॉर्म में वो जो पेज है आपको सेंड करेगा. तो आपका ब्राउज़र उन सभी पैकेट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करके एक वेब पेज की फॉर्म में जो है आपके सिस्टम पर डिस्प्ले करता है. जो पैकेट्स होते हैं हम उनको TCP पैकेट्स भी कह सकते हैं. एंड टीसीपी में जो है लाइक एक्नॉलेजमेंट होती है. इट्स लाइक कि जब भी कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है तो जो रिसीवर है वो सेंडर को वापस एक मैसेज सेंड करता है कि उसने वो वाला मैसेज जो है वो रिसीव कर लिया है या नहीं किया है. तो जो रिसीवर है उसने अगर सपोज एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी कुछ टाइम तक, तो सेंडर फिर से वो पेजेस सेंड करेगा सो दैट कोई भी डाटा लॉस्ट ना हो. इसीलिए कहा जाता है कि TCP जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल है, बिकॉज इसमें एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं, प्लस TCP में एरर चेकिंग प्रॉपरली होती है. इसलिए भी जो है TCP को रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लाइक जो एरर चेकिंग है, एक्नॉलेजमेंट है, जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए TCP जो है कंपैरेटिवली एक स्लो प्रोटोकॉल है. अब UDP के बारे में देखते हैं. UDP स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल तो हमें बताइए प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं. या यहाँ पे डेटाग्राम क्या है, जो डेटा यूनिट है UDP में उसको डेटाग्राम कहा जाता है. UDP जो है वो TCP की तरह ही काम करता है, लेकिन कंपैरेटिव टू TCP UDP में कुछ फंक्शनैलिटीज़ कम होती हैं, लाइक उसमें एरर चेकिंग नहीं होती UDP में, और एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है. तो इससे क्या होता है, क्वालिटी तो कम है, लेकिन क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है या एरर चेकिंग नहीं है, इसकी वजह से TCP के कंपैरेटिव UDP जो है वो फास्ट प्रोटोकॉल है. TCP में एक गारंटी होती है कि जो है आपका डाटा लॉस नहीं होगा, लेकिन UDP में गारंटी नहीं होती कि आपका कोई भी जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा. UDP जो है वो बेस्ट इफर्ट एल्गोरिथम है कि लाइक वो UDP अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि कोई भी आपका डाटा लॉस ना हो एंड प्रॉपर जो है आपको सारा डाटा रिसीव हो, लेकिन गारंटी नहीं है. लेकिन TCP में गारंटी होती है कि आपका कोई भी डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होगा. इसीलिए जो UDP है वो TCP के कंपैरेटिव फास्ट प्रोटोकॉल है. एंड TCP जो है जहाँ पे हमारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है. एंड UDP जो है वो लाइक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के टाइम काम आता है, कि जहाँ पे आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है या ऑनलाइन गेम्स है वहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो UDP के थ्रू होता है. नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन पर. सो TCP एंड UDP में कंपैरिजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. दैट मींस के जब भी TCP कम्युनिकेट करेगा तो दोनों जो हैं डिवाइसेस हैं उनमें कम्युनिकेशन के लिए सर्किट बना होना चाहिए. लेकिन UDP जो है, जो UDP प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. इट मींस कि जब UDP कम्युनिकेट कर रहा है तो दोनों सिस्टम्स में सर्किट बना होना एट दैट मोमेंट ज़रूरी नहीं है.
इट्स लाइक ए टीसीपी, जैसे आप समझ सकते हो कि एक फ़ोन कॉल की तरह है. जब तक सामने वाला पर्सन रिसीव नहीं करेगा, आप डेटा कम्युनिकेट नहीं कर सकते. एंड यूडीपी जो है वो मैसेज की तरह है. अगर सामने वाले सिस्टम जो है वो स्विच ऑफ भी है तो भी आपका डेटा सेंड हो जाएगा, एंड लेटर ऑन जब सिस्टम ऑन होगा तो डेटा जो है वो डिलीवर हो जाता है. सेकेंड इज टीसीपी जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल है, एंड यूडीपी जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है. जैसे कि हमने पहले भी देखा कि टीसीपी में गारंटी होती है कि आपका डाटा लॉस नहीं होगा, लेकिन यूडीपी में गारंटी नहीं होती है. द थर्ड पॉइंट इज़ कि टीसीपी में प्रॉपर एरर चेकिंग होती है, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होती है डेटा की, लेकिन यूडीपी में बस जस्ट बेसिक एरर चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं की जाती है. एंड फोर्थ इज़ कि जो सीक्वेंसिंग है वो टीसीपी प्रोटोकॉल में प्रॉपरली होती है. हमने सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली पढ़ा था ओएसआई मॉडल में, तो वो टीसीपी प्रोटोकॉल करता है, लेकिन यूडीपी में कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती है. जो सीक्वेंसिंग है वो एप्लीकेशन लेयर पर जो है उसको वर्कआउट करना पड़ता है. टीसीपी जो है यूडीपी के कंपैरेटिव एक स्लो प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि टीसीपी में एरर चेकिंग होती है, एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं, लेकिन यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होती हैं, तो इसकी वर्किंग जो है कंपैरेटिवली फास्टर है. टीसीपी में जो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं वो है HTTP, FTP या SMTP या टेलनेट सर्विस जो है वो यूज़ होती है. एंड यूडीपी जो है वो यूज़ किया जाता है DNS, DHCP एंड SNMP प्रोटोकॉल्स, जो RIP प्रोटोकॉल्स हैं, एंड या VOIP प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे जो है यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं. TCP सूटेबल है लाइक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा के लिए, एंड UDP इज़ सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सो दैट्स इट इन द कंपैरिजन ऑफ TCP एंड UDP. आई होप आपको सब समझ आ गया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग TCP एंड UDP तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो दैट्स इट अबाउट TCP एंड UDP फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. बाय बाय.